वाह मामा, तो आज पकड़ी नहीं जा रही। और सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे मामा, बस कर दे शीशा देखना। नहीं, 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 नहीं। यार ये तो तुम लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो। मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है, मुझे सिर्फ फातिमा से डर लगता है। ओह माय गॉड, मेरी भी शादी गुजरी, मैं भी गिफ्ट का इंतजार गुजरी। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का झटपट से पता चल जाए। सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। और इस दिन के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि माँ माँ होती है और माँ हमें इस पोजीशन तक लाने के लिए कितनी ज्यादा तकलीफें उठाती है ये सिर्फ माँ ही जानती है। माँ सबकी एक जैसी होती है, तो मेरी तरफ से सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। मुझे पता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती है और हम उसका हक बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकते। अगर हम कह भी देना कि भी हमने हक अदा कर दिया, लेकिन माँ का हक हम कभी अदा नहीं कर सकते। माँ जितना प्यार हमें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो आज इस स्पेशल डे पे मैंने रखा है मामा के लिए एक सरप्राइज, और वो सरप्राइज क्या है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अभी चलते हैं नीचे मामा के पास, मामा को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिस तरह की वो डेली हमें देती हैं। जितना ख्याल वो हमारा करती है, हम कोशिश करेंगे कि हम रिटर्न में चलो ज्यादा नहीं, उसका 1% भी दे देना तो बहुत बात है। सो आइए चलते हैं नीचे और देखते हैं कि सरप्राइज क्या है। सो लेट्स गो गाइज, मैं यहाँ पे नीचे आई हूँ और नीचे के नजारे ही कुछ और है। वाह जी वाह, मामा तो आज पकड़ी नहीं जा रही है, ये बिल्लो बनके कहाँ जा रही है। आज मामा ने डे बनाना है मेरे साथ, दोनों माँ बेटी ने की है, इसीलिए मैंने मामा को रेडी किया। दोनों माँ बेटी ने की है ट्विनिंग, तेरे साथ भी अभी मनाना है। जो चले हीरा मुझे अपना गेटअप दे रही है। नहीं वो तो चलो राबिया ने आपको ट्रीटमेंट दे दिया, हीरा बना दो। आप इतनी प्यारी लग रही है, हीरा मेरा हीरा बनने का। अच्छा चले मैं आपको किसी दिन हीरा बनाऊंगी, ठीक है। यार वैसे कितना अच्छा है, कितना अच्छा। वैसे मम्मा एक बात बताऊँ, मैं आपको हीरा नहीं बनाऊंगी, मैं आपके जैसी हूँ तो मैं मामा हूँ। क्या बात किया हीरा ने, आप ही करो, आप मामा जैसे कपड़े पहन लो, बूढ़े। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं पता, मैं अक्सर जो भी शलवार कमीज पहनती हूँ ना वो मामा की होती है। मैं जितनी भी अभी ये भी पहनी है, मैं मामा की अलमारी से लेके आई। तो अब मैं मामा को हीरा बनाऊंगी, ठीक है। और सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे, इतनी प्यारी लग रही हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही हंसता खेलता जैसे आप हमारा ख्याल रखती हैं ऐसे ही हमेशा रखती हैं, ठीक है। आमीन आमीन। और हीरा आप भी कभी ऐसे ही हंसता खेलता रखे, मैं कुछ और बोलने लगी बदतमीज़, ठीक है। तो मेरी तरफ से मामा को हैप्पी मदर्स डे हो गया। तेरी तरफ अभी ड्यू है, मैं रखा मदर डे, मैंने विश कर तो दिए। लो स्पेशल वाला, अभी रबेक्सा स्पेशल करने जा रही हूं। अरे बस विश ही तो करते हैं, रबेक्सा स्पेशल करने जा रही हूं तेरे साथ, वो है पोस्टपोन है, ठीक वो करना है। मामा वैसे मैंने कुछ किया तो नहीं है, तो करना नहीं है क्या, करो जो मर्जी। मैंने कहा था मैं मामा को विश करूंगी और मामा का ख्याल रखूंगी, बस ऐसे को पीऊंगी प्यारी सी। मामा को भाई आज मुझे स्पेशल डे चाहिए, आज मुझे मामा को गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट मैंने ना कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं लिया सच में, वैसे मैं कुछ भी नहीं लिया, अपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ, वैसे दिल कर रहा था आज गलती से एक्स्ट्रा तैयार हो गई है तो मामा के वो ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, चले मामा को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे मैंने कोई गिफ्ट विफ्ट तो नहीं लिया है, लेकिन मामा की डिमांड है तो कुछ ना कुछ तो कर ही करते हैं। कोई घर से मैं देखती हूँ अपने कोई अच्छा महंगा गिफ्ट तोहफा खरीदो उनके लिए। अच्छा ठीक है, वैसे मम्मा अगर ना भी दूं तो चलेगा ना, नहीं चलेगा, मैं उनकी असिस्टेंट बन गई। तो मम्मी हो मेरी, जब मेरी अम्मा को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, है ना। चलाकियों से बचने का तरीका बता, छुट्टी करो तुम, छुट्टी करो, ठीक है। गाइस तो ये चिंटू और मिंटू को दोनों ने ट्रेनिंग की हुई है, तो अब हम इनको लेके चल रहे हैं राबिया के सिफारिश पे मामा को बाहर घुमाने फिराने के लिए, और ये सब ट्रीट राबिया की तरफ से है मामा को, ये आपको इसके व्लॉग में दिख जाएगी। और अभी हम लोग निकलते हैं, सो लेट्स गो गाइस। मामा बस कर दे शीशा देखना, बस कर दे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ज्यादा प्रीटी नहीं बनना, आज मुझे लग रहा है राबिया की रूह आई। बाबा भी हर टाइम ना, मैं भी हर टाइम ऐसे, मैं राबिया को क्या ही कहूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
भाई इन औरतों ने ना यहाँ पे लगा दी है ढेरी चेंज कर करके, और इतने को कोई सूट, इतने को कोई शॉपिंग वॉपिंग करा दी है राबिया ने मम्मा को। ज्यादा शॉपिंग कर ली, पता कितने सूट लिए? 3। अच्छा, राबिया मुझे तो एक भी नहीं लेके दिया तुम। मैं तो यार मैं तो मम्मा की बताओ तुम क्या मुझे दे रही मम्मा? मेरे पास सच में, मैं ना क्या इधर से एक आधा सूट पसंद कर लेंगे, कोई हैवी चीज लेंगे छोटी मोटी। नहीं इधर से कोई थोड़ा गोल्ड छोटी मोटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी, मैं कुछ इधर से पसंद कर ले कोई सूट देख लें। मैंने आपको सरप्राइज नहीं दिया कुछ, जितनी थी अच्छे मैंने सारे ले लिए। चलो सही है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, फिर बाद में देखेंगे। बुरी बात, कोई बुरी बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो मामा को राबिया ने ढेर सारी शॉपिंग करा दी है, ठीक है, और मेरी तरफ से मामा को कुछ भी नहीं मिला है, और ये दोनों ऐसे सर जोड़ के जा रही हैं। मैं मामा प्यारी मामा। और ना मेरे खिलाफ मामा को भड़का रही है, देखे मामा इसने आपको कुछ नहीं दिया, देखे देना चाहिए वैसे राबिया, कितनी बुरी बात है। कभी कभी सिर्फ प्यार ही काफी होना चाहिए, है कि नहीं? आप प्लीज कमेंट में बताएं कि कभी कभी सिर्फ प्यार ही काफी होता है। नहीं, इतनी प्यारी पप्पी दे दी मैंने मामा को, दो उन्होंने आपको कितना पाला पोसा है, बड़ा किया है। ठीक है, मैं अभी कल पराठा बना दूंगी मामा को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ना, देख मामा के ऊपर वही होता है हंसदे चेहरा, तो मतलब ये नहीं होता कि तकलीफ नहीं हुई। मामा को बड़ी तकलीफ हो रही है कि मैंने मामा अब उधर मुंह करके ना उदास होके बात नहीं करी, नाराज है आपसे। कैसे बताऊं आपको कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैं कह रही थी अंदर से एक सूट पसंद कर लें कुछ। कब से शर्मिंदा कर रहे हैं आप, ले लो यार। मैंने बोला मामा को अंदर के सूट ले लेकर, मैं तेरे को सूट नहीं लेना। मेरी कॉपी क्यों कर रही हो, उनकी कॉपी करो। चलो चलो देखते हैं, खाना बना दूं कुछ चलेगा? नहीं ठीक है भाई। ओके गाइस, सो मैं ऐसी ड्राइव करते करते सोच रही थी कि यार मामा को ठीक है मैंने कोई गिफ्ट शिफ्ट प्लान नहीं किया है, तो क्यों ना मामा को थोड़ी देर अभी ड्राइविंग करने दें। तो ठीक है मामा, ये मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, बाकी कभी कुछ पसंद आया तो बताएंगे। मामा घर जाएंगे फिर उससे थोड़ा सा आगे रास्ते पे मैंने भी चला। राबिया डे नहीं है, मदर्स डे आज। ऐसा करते हैं घर नहीं जाते, रोड पे आज वही चलाते हैं। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? खाना खाया ना, सिस्टर डे था ना मेरा आज, मेरा भी सिस्टर डे है। लॉक खोलो, लॉक खोल रही हूँ मेरी तरफ से आज। यानी अम्मा जहाँ ड्राइव चाहती हैं वो कर सकती हैं, ठीक है भाई। मामा को मैंने मदर्स डे सेलिब्रेट करने का सोचा था, लेकिन मदर्स डे पे डांट खा रही है मुझे। गाड़ी भूल गई है, दो दिन नहीं सिखाई, दो दिन सिखाई नहीं है तो क्लासें भूल चुकी है। हाँ, लेकिन नहीं है, मैं सिखा दूंगी वापस, बैक टू नॉर्मल। ओके गाइस, तो हम लोग घर वापस आ गए। मामा का जो राबिया ने जो आज यस काइंड डे किया था वो भी खत्म हो गया। फातिमा भी घर आ गई, आपी भी आ गई, अरीब भाई भी आ गए। हेलो एवरीवन, मामा जी मैंने आपको, आप सब गवाए, मैंने मामा को ड्राइविंग सिखाई है हल्की फुल्की, और फिर क्या सिखाया और क्या किया था, एक पप्पी दी थी इतनी प्यारी वाली, है ही नहीं है, क्या करूं। सुबह मम्मा को लाले लगाया और कुछ नहीं यार, ऐसा तो चलता है ना। हाँ, यही बात है। तो अच्छा, क्या वेरी बैड, क्या ठीक है, ठीक है यार, ये तो तुम लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो। चलो अब मेरी, एक सेकंड, ज्यादा हो गया राबिया, जरा मेरी बदतमीज की चोट पे हीरा को जालिम कहती हूं। मुझे सिर्फ फातिमा से डर लगता है, ठीक है, जिल्लात फातिमा, ठीक है, ठीक है साथी। राबिया जरा मेरी एक मिनट बात सुनना, चिश कर दो। तुम मुझे वहाँ सबके सामने वेरी बैड कह रही है, मामा के लिए लिया एक सरप्राइज। क्या सरप्राइज? मेरे वाजे निकाल, क्या सरप्राइज? हमारे लिए सरप्राइज लिया, तुम्हें पता है हम लोग उस दिन ज्वेलर्स के पास गए थे। हाँ, मुझे स्पेशल गिफ्ट लिया है, ठीक है। ये रिंग ना थोड़ी एक्सपेंसिव थी, मैंने देखा कि मामा ना देख के थोड़ा सा हो गई थी, तो मैंने ना ले ली, तो देखो जरा ये तो मेरे से भी ज्यादा नंबर ले लिया है। ये ना एक्सपेंसिव थी तो देख के ना रुक गई। मैंने ना ये वाली रिंग ली है स्पेशल मामा के। इसके ऊपर ना पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है मालिकुल, पता नहीं उनका कुछ और लिखा हुआ है। बट ना ये रिंग ना मैं, मामा ने जब उठाई ना कहती है प्राइस, मैं खैर आपको प्राइस नहीं बताऊंगी, बट काफी ज्यादा थी, ठीक है। देखो जरा हीरा कितनी रिच निकली, कितनी रिच। तो रोना था जब उन्होंने ऐसी रिंग्स जो लेती थी ना थोड़ी नॉर्मल कम थी, तो देखे कितनी अच्छा मुंह भी आ रही है, लेकिन कितने की अच्छा खुद ही रख। मुझे नहीं कहा कि लो या ये करो, तो उनको वैसे अपनी दिखाई भी नहीं ना, उन्होंने ये देख के पसंद की थी, लेकिन रेट थोड़ा उनको ना लगा कि मैं नहीं अभी ले रही, उन्होंने ना रख दी ऐसे। मैं कैमरा पकड़ती हूं, आप इसे जाके मामा को प्रपोज करना, डन डन डन। उनको ज्यादा सरप्राइज ये मिलेगा कि ये वही रिंग है जो उन्होंने पसंद की थी। मैंने ना छुपा के पैक करवा ली थी, मैंने कहा था आप उनको मत बताइएगा, ठीक है। चलो आ जाओ पकड़ो, चुप करके हमने सरप्राइज देते। गाइस हीरा पे तुम सबसे एक बात करना चाहती है जरूरी, इधर आ सकती है?
ये शौक ये देखे हीरा के हाथों की तरफ ही देख रहे हैं। कुछ बड़ा सरप्राइज आया तो नहीं आया। मैं आपसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको आज इतना ज्यादा तंग किया, बल्कि इतना तंग किया। I'm sorry। हाँ ठीक है, आपका साया हम सब। ये क्या बात है, हमने भी माफ किया। मामा खोल के तो देखे हैं। महफिलों में फुफियां देखते हुए, महफिलों में फुफियां देखते हुए गोल्ड का बिस्किट का बिस्किट नहीं, वो क्या उसे कहते हैं छोटू सी कॉइन है। शादियों में फुफियां जज करते हुए, ओह माय गॉड मेरी भी शादी गुजरी, मैं भी गिफ्ट का इंतजार गुजर रही हूँ। मुझे मामा को शादियों में फुफियां जज करते हुए, तो शादियों में वो तो गंदा फोटोग्राफर हर जगह खाने में फोकस मारता हुआ। ये तो फीमेल फोटोग्राफर है जो क्लब पे आया हुआ। चलो पहनो। वाह, मम्मा की शादी हो गई। अच्छा ये वो वाली रिंग थी जो मेरे साथ जाके देख के आई थी, और थोड़ा सा ना इनको रेट ज्यादा लगा तो वापस रख दी इन्होंने, और थोड़ा ना देख रही थी कि मैंने कहा मैंने छुपा कर पैक करवा ली थी उनसे, मैंने कहा था मैं मामा को मदर्स डे पे गिफ्ट करूंगी, और अब राबिया नहीं लग रही, अब सेठ नहीं लग रही। जिसको राबिया पड़ेगा ना वो सोने का हो जाएगा मामा, अब ये मारेंगी तो सोने की मारेंगी। ये 2.5 किलो का हाथ है, सोने का थप्पड़ है मामा का। नहीं बहुत प्यारी है। थैंक यू मामा, ओ थैंक यू हीरा भी। ज्वेलर ने भी गिफ्ट दिया था हैप्पी बर्थडे पे, वो जी उसने आपको सिल्वर की रिंग दी। हैप्पी बर्थडे अपनी मदर की दे, हैप्पी बर्थडे क्या होता है, चांदी की दी थी, नहीं चांदी की दी थी वो आपके उसमें पड़ी है, कभी आती है वो भी, आपने रख ली थी आपके पास है वो कह रहे हैं दूजी ला के दे। क्यों ये अच्छी नहीं लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है मामा, हो गई है हैप्पी न्यू ईयर। रबिया तो मैं भंग डाल दूं। वेरी गुड। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे घर कोई आया केक खाने, मदर्स डे सेलिब्रेट करने, वो गोल्ड की रिंग लेने आया। नहीं जी, बेसिकली वो बच्चा खो गया, अपनी माँ ढूंढ रहा है मदर्स डे वाले दिन। यहाँ सुने अलकट हाथ। निकलो भाई हमारे घर से, तो निकलो बच्चे भाई छोटू, इतने क्यूट क्यूट लगते हैं छोटे छोटे, लेकिन पकड़ नहीं सकती। फातिमा मत करना, कुछ मत करियो, ओवर एक्टिंग की दुकान। इसको हाथ लगाओ, वो डर रहा है। नाइन टेंथ में ना मैंने इसका ऑपरेशन किया, पकड़ लो इसका भी कर दो। 15 प्रो मैक्स गिफ्ट मिल रहा है वो है आपको, प्लीज ले ले। फातिमा नहीं करो यार, खुद ही चला जाएगा बाहर। मुझे लगता है किसी ने दरवाजा खुला रखा तो वहाँ से अंदर आ गया। जैनब चले भाई, नहीं यार ऐसे तो ना कहो। जैनब अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई है, थोड़ी देर में आने वाली है और हम उसको मिस कर रहे हैं हल्का फुल्का। अब हर दफा वो ये आके नहीं कहेगी कि आप लोगों ने मुझे मिस ही नहीं किया। मामा को काफी ज्यादा तंग करने के बाद हमने मामा को सरप्राइज दे दिया, जो कि उन्हें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि उनको खुश कर सकूं, और उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये वाला गिफ्ट मेरा अच्छा लगा होगा। मामा के साथ साथ सभी को गिफ्ट बहुत पसंद आया, और इन सब चीज़ों के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बाय बाय।